प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड कुछ इस तरह का दिखता है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत पीएम जय। 10 करोड़ से अधिक चयनित परिवारों को, 50 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें राशन कार्ड धारकों का आयुष्मान कार्ड आ गया है, उसको ई कैसे करें, कैसे करें और कैसे डाउनलोड करें सब बताया गया है। तो यह अपडेट था जो 2 दिन पहले आया था, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भारत के सभी राज्यों के राशन कार्ड धारकों का आयुष्मान कार्ड 2 मार्च 2024 से निःशुल्क बनाया जा रहा है। इसके लिए जन वितरण प्रणाली या CSC सेंटर से संपर्क करें। अगर आधार लिंक मोबाइल नंबर है तो खुद से कर सकते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है। निःशुल्क इलाज और कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक कागजात, पारिवारिक पहचान के लिए राशन कार्ड या प्रधानमंत्री जी का लाभार्थी परिवार का नाम पत्र, और व्यक्तिगत पहचान के लिए आधार कार्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य फोटो पहचान पत्र। वीडियो में आगे जानेंगे कि कैसे आयुष्मान कार्ड का EKYC करें और कैसे डाउनलोड करें। सबसे आसान तरीका के लिए प्ले स्टोर से आयुष्मान ऐप को डाउनलोड कर लेंगे या पीएम जय के वेबसाइट पर जाकर IM एलिजिबल पे लॉगिन करेंगे। सेम प्रोसेस, दोनों जगह का प्रोसेस सेम है। वेबसाइट से कीजिए या ऐप से कीजिए, बिल्कुल आसान तरीका है। तो ऐप को ओपन कर लेते हैं। ऐप ओपन हो रहा है और एरर आ रहा है कि आपका सेशन एक्सपायर कर गया है, फिर से लॉगिन करें। स्क्रॉल करेंगे और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसमें 2 ऑप्शन है, ऑपरेटर और बेनिफिशरी। हम बेनिफिशरी पे क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं, और जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP जाएगा। थोड़ा रुक जाइएगा क्योंकि ये ऐप थोड़ा स्लो काम करता है। और देख सकते हैं कि टिक लग गया है, यानी कि OTP चला गया है, OTP आ गया। मैंने OTP डाल दिया है और नीचे जो कैप्चा है उस कैप्चा को डाल देंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे अगली अपडेट आपको मिल सके। ऐसे मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया है और देख सकते हैं प्रोसेसिंग और योर रिक्वेस्ट करके आ रहा है, यानी कि आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रहा है। कृपया रुकिए, समय लग रहा है। ऐसे पेज ओपन हो गया है। सर्च फॉर बेनिफिशियरी के लिए यहाँ पे सर्च करने के लिए बोल रहा है। तो पीएम जय को सिलेक्ट कर लेंगे, 3 ऑप्शन में सबसे ऊपर वाला ऑप्शन को चुन लेंगे। अपने राज्य को सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैंने बिहार सेलेक्ट कर लिया है। बिहार को सिलेक्ट करते ही कुछ बफरिंग करके आता है और सिलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद सब स्कीम में भी पीएम जय सिलेक्ट करेंगे। सबसे नीचे वाला जो थर्ड ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने पीएम जय को सिलेक्ट कर लिया है। पीएम जय सिलेक्ट करने के बाद सर्च वाई ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मैं 3 को ही ज़्यादा यूज करूँगा, फैमिली आईडी, आधार नंबर और पीएम जय आईडी। तो अभी आधार नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सभी के पास ये है। मैंने आधार नंबर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिला अपना चुन लेंगे, जैसे मैं मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लिया। आधार नंबर डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। आधार नंबर से नहीं आता है तो अपना राशन कार्ड नंबर डालेंगे। थोड़ा समय लेता है, बफरिंग करता है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, रुक जाइएगा। और वेट करने के बाद कुछ इस तरह से बफरिंग करेगा कि आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रहा है और आ जाएगा। फाइनली डैशबोर्ड पे फैमिली आईडी होगा, सोर्स NFSA, PHH अर्थात राशन कार्ड के सोर्स से बनाया गया है, जो राशन कार्ड आधार से लिंक है। और ये प्रोफाइल नाम हुआ, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, फैमिली आईडी करके और डू EKYC करके आ रहा है। तो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और डू EKYC पे क्लिक करते हैं। डू EKYC पे क्लिक कर दिया है, थोड़ा देर वेट करते हैं। अगला पेज खुलता है जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं, आईडी से स्कैन, फेस ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट और आधार OTP। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे और यस वाले ऑप्शन पर टिक करके अलाउ करेंगे।
प्रोसेस करेगा, उसके बाद दो ओटीपी आएगा, एक बेनिफिशियरी आधार ओटीपी और दूसरा बेनिफिशियरी मोबाइल ओटीपी। आधार ओटीपी और मोबाइल ओटीपी को डालते ही ऑटोमेटिक प्रोसेस होने लगेगा और यहाँ पे दिख रहा है परिवार के सदस्य के अंतर्गत आप सफलतापूर्वक ऑथेंटिकेट हो गए हैं, कार्ड बनाने के लिए आगे बढ़े हैं। तो इस डैशबोर्ड पे, इस स्क्रीन पे सारी डिटेल्स आपकी दिखाई देगी, नाम, आधार नंबर, फैमिली आईडी, मोबाइल नंबर और मेंबर आईडी। मैंने eKYC पहले ही कर लिया है, ये थोड़ा बग है जिसके कारण दोबारा दिखाया जा रहा है, मैं इसको स्किप कर दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। फैमिली आईडी मतलब राशन कार्ड, अगर आधार कार्ड से आपका नाम नहीं आता है तो राशन कार्ड नंबर डालकर खोजे, जरूर आएगा लिस्ट में। eKYC होने के बाद आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे फिर से OTP आया है तो इसको डालकर आगे बढ़ेंगे। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे बिहार की सभी छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। जैसे देख सकते हो चुके हैं, फिर से डबल eKYC करने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी का फोटोग्राफ डाला जाएगा और डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है कि 92.75% आपके डिटेल्स मैच हो गए हैं। अब मोबाइल नंबर, रिलेशन, पिन कोड, राज्य बिहार ही रहेगा और जिला को अपने अनुसार चुन लेंगे, रूरल अर्बन को सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। eKYC कंप्लीट हो गया है, कुछ समय के बाद आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है। ओके पे क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड पे आएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहा है कि अब वेरीफाई अप्रूव्ड बता रहा है, दीपक कुमार अप्रूव्ड, और डाउनलोड कार्ड करने के लिए बोला जा रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि योर कार्ड इज़ गेटिंग प्रोसेस, आपका कार्ड प्रोसेस हो रहा है, कुछ समय वेट कर लीजिए। आपके धैर्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करके आ रहा है। तो कुछ देर के बाद मेरा कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ऐसे ही आपका भी हो जाएगा।